नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में घोटाले की सरकार रही है। पशुपालन से लेकर सृजन घोटाले की लंबी फहरिस्त रही है, जिसने देश भर में राज्य की छवि जो है धूमिल किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ताजा खबर जो है बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग से जुड़ा है। नियम तो यही कहता है कि सरकारी कायदे और कानून के अनुसार अगर कोई जिंदा है तो उसे सरकारी लाभ मिलेगा, और उसकी मृत्यु हो गई है तो नाम सूची से कट जाएगा। लेकिन बिहार में आज भी हजारों मुर्दे सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के एक गोपनीय पत्र ने इस घोटाले को बेनकाब करने का काम किया है। राज्य के सभी जिला अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में आगाह किया गया है कि बिहार में मुर्दे भी पेंशन उठा रहे हैं, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही मृत्यु के पश्चात भी उनके खाते में रकम ट्रांसफर की जा रही है। निदेशालय ने इसे वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मृतकों की सूची जल्द से जल्द तैयार कर विभाग को सौंपे, जिससे उनका नाम सूची से हटाया जा सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल नेशन भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।